heute Tschungel atmen. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और अंधेरा छाया हुआ है, कोहरा पड़ रहा है, जा दिखाते। और इधर अभी हम बाहर खड़े हैं, ये देखिए। तो अभी हम उठ कर आए हैं और उठते ही बस अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। और यहाँ बाहर आए हैं हम, ये देखिए कोहरा बहुत तेज पड़ रहा है। तो दोस्तों, इधर आप सभी देख सकते हैं कि कितना तेज वाला कोहरा पड़ रहा है, बरसाती ठंड हो रही है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। 3-4 दिन से बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और फिर भी 5 बजे सुबह के टाइम उठना पड़ता है काम करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड और सार्थक जाते हैं स्कूल, हस्बैंड जी जाते हैं दुकान पर, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी ही सारे काम करना पड़ता है। ठंड कितनी भी हो पर हमारे काम बंद नहीं होते हैं, बस गांव का यही तो एक खास बात है कि ठंड कितनी भी हो हाउसवाइफ को जल्द से जल्द हमेशा की तरह सारे काम करना पड़ता है सुबह उठकर। और उसके बाद में नहा कर आ गए हैं, बस सुबह सुबह नहा भी लिए हैं, ठंड कितनी भी हो पर सुबह ही नहा लेते हैं, चाहे बरसाती ठंड हो या फिर कैसी भी ठंड हो, पर नहाना सुबह के टाइम ज़रूरी होता है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है सुबह नहा लेते हैं, फिर जो है सारे काम हमारे होते रहते हैं। और जब तक नहाते नहीं हैं तो हमें खाना बनाने में अच्छा भी नहीं लगता है, और नहाकर भी खाना बनाना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं होता है तब नहीं नहा पाते, नहीं तो हम सुबह के टाइम जल्दी से नहा लेते हैं। तो इधर नहा धोकर आ गए हैं, उसके बाद में चाय बन रही है हमारी गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय। तो यहाँ पे चाय हमारी आज हमने गुड़ वाली बनाई है, अब की बार हमने गुड़ मंगवाया चाय बनाने के लिए, और बिल्कुल भी नहीं फटती है हमारी गुड़ की चाय, और एकदम से कड़क वाली बन के तैयार हो गई थी। तो चाय वाय पी लिए, उसके बाद में खाना पीना बनाया। तो आज खाने में सब्जी रोटी ही बनाई थी। तो उसके बाद में जो है काम करने लगे हैं, तो यहाँ पर जो है खाना पीना हो गया था हमारा, उसके बाद में यहाँ पे समेट रहे हैं मोरम, जो कि हमारे बच्चों दोनों बच्चों ने फैला के रखी हुई है पूरे, मतलब कुल बीच में फैला दी थी, तो फिर से समेट रहे हैं। एक बार हमने और समेटी थी, आप सभी ने देखा होगा, जिन दोस्तों ने, जो दोस्त हमारे पुराने हैं उन्होंने देखा होगा ब्लॉग में, तो हमें एक बार इसको जो है ऊपर चढ़ा चुके थे, फिर से दोबारा से बच्चों ने फैला दिया है। तो यहाँ पे आर्थर हमारे देख रहे हैं कि मम्मी क्या कर रही हैं, तो हमने जैसे ही मतलब समेट कर तैयार हुए वैसे ही ये फिर से इस पर चढ़ने लगे, तो मोरम भसका रहे थे नीचे की तरफ, खसका रहे थे और फैला रहे थे। तो अभी तो देख रहे हैं बैठे बैठे ईंट इनको मिल गई थी, तो उसी पे बैठ गए थे, और जैसे ही हम मतलब समेट कर खड़े हुए वैसे ही ये मोरम पे चढ़ गए थे, तो उनके हमने इनको डांटा, फिर जो है अलग खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि मम्मी यहाँ पे ये क्या पौधे भी काट दे रही हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मतलब झाड़ी सी हो गई थी, तो ये मनी प्लांट हमारा पूरे में फैल चुका है। और इधर आर्थर घुस जाते हैं कभी कभी, गेंद वगैरह खेलते हैं तो इनका खिलौना वगैरह इसमें गिर जाता है, तो ये इसमें घुसने लगते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है कि इसमें कीड़े मकोड़े ना हों, तो इसीलिए हमने कहा चलो इसको साफ़ कर देते हैं किनारे किनारे खुरपी से, हमने जो है काट दिया, पूरे में हमारा मनी प्लांट जो है फैल गया है, तो किनारे किनारे जितना भी है सारा कुछ इसको हटा देंगे, और उसके बाद में अच्छे से लगा देंगे झाड़ू। और ये हटा दिया था, बहुत ही साफ़ सुथरा हो गया था, अच्छा भी लगने लगा था, और वैसे में बहुत ज़्यादा में फैल गया है, और फिर से दोबारा से ये हो जाएगा, तो हमने इसीलिए काट दिया था। वैसे हरा भरा काटने में अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर मजबूरी में काटना पड़ा आर्थर की वजह से। और इसमें बहुत बड़े बड़े मेढक भी बैठ जाते हैं, अभी कल ही बहुत बड़ा मेढक सुबह के टाइम ही निकल पड़ा इससे, तो हमारे आर्थर घुस जाते हैं, तो इसीलिए हमने कहा चलो आज इसको भी साफ़ कर देते हैं, और अच्छा भी लगने लगा था। तो बस ऐसे ही हम साफ़ सफाई अपने आंगन के करते रहते हैं, और फिर भी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारी सारी जो
मनी प्लांट है वो उसको हटा दिया। मोरम पे बहुत सारी फैल गई थी तो उसको भी हटा दे रहे हैं। और यहाँ पर लौकी का नार है जहाँ पे लौकी का पौधा लगा हुआ था, तो बहुत ये भी पूरे में फैल गया है। इसमें लौकी तो दो तीन ही खाने को मिली है। और बतिया बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, पर सारी बतिया जो है मर जाती है, बेकार हो जाती है। तो इस समय बिल्कुल भी नहीं मतलब लौकी लग रही है। और ये नार नीचे नीचे की तरफ जल सा गया है, ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे उसके भी पत्ते साफ कर दिए थे, अच्छा नहीं लग रहा था। तो सारा ये काले काले से पड़ गए हैं और हमारे मनी प्लांट पे भी फैल गया था, तो अच्छा नहीं लग रहा था काला काला, तो वहाँ पे भी साफ कर दिया है हमने। और सोच रहे हैं कि इसको उखाड़ के फेंक दें, इसमें लौकी भी नहीं लग रही है। इसमें दो तीन ही मिली हैं खाने को बस, अब जो है बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और उसके बाद में लगाने लगे हैं झाड़ू, तो बरामदे में, कमरे में और टीन में सारे में झाड़ू लग गई है। और उसके बाद में यहाँ पे आंगन में लगाने लगे हैं। तो आर्थर अभी भी खेल रहे हैं क्योंकि ये सुबह के टाइम आज लेट उठे थे, तो इसीलिए जो है मतलब जग उठ तो जल्दी गए थे पर ये दोबारा से सो गए थे, तो इसीलिए अभी इनको नींद नहीं आ रही थी। ये वही 1 बजे के टाइम सोंगे। तो यहाँ पे हमारे बर्तन हमने पहले ही धुल के रख दिए थे, उसके बाद में ये काम शुरू किया था। तो ये सब करने में आधा घंटा तो लग ही गया था, ज़्यादा ही लग गए थे, क्योंकि सारे काम कुछ काम करो ना थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो थोड़ी आंगन की साफ़ सफाई करी थी बस, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता, तो इसीलिए बर्तन हमने पहले ही धुल के रख देते थे, बाद में झाड़ू वगैरह लगाई थी। और यहाँ पे खटिया एक तरफ खड़ी कर देते हैं। और इस कोने में जो है बालू बहुत ज़्यादा आर्थर ने फैलाई है, यहाँ पे मोरम लगी हुई है और उस कोने में बालू लगी हुई है, तो आर्थर फैलाते रहते हैं और ये देख ना पाओ तो खा भी लेते हैं। तो बालू जो है हम सारी उसको उठाकर ऊपर डाल देंगे क्योंकि आर्थर खा लेते हैं, तो इसीलिए हमने वहाँ पे भी साफ किए थे और बालू वगैरह भी हटा दी थी। तो यहाँ पे मनी प्लांट की जो भी बेल है उसको हमने बालू पे डाल दिया है उठा के, और जो कोई मतलब लगाना चाहेगा तो खुद ही यहाँ से ले लेगा। कई लोगों ने हमसे मांगा भी था पर हमने दिया नहीं था, तो हमने आज काट के रख दिया, जिसको लेना होगा तो खुद ही ले जाएगा चुपके से। तो ये मनी प्लांट तो कहते हैं कि चोरी से ही लगाया जाता है तभी जाके चलता है, तो और ये बात सही है। कई बार हम लाए हैं पर कई लोगों ने टोक दिया था, तब जाके हमारा नहीं चला था, पर एक बार चुपके से आ ही गया था, तब से जो है हमारा मनी प्लांट अच्छा हो गया है और बहुत अच्छे से चल भी गया था। तो यहाँ पे झाड़ू हमारी लग गई है और इस जगह पे काफ़ी जगह खाली हो गई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, साफ़ हो गया था। और इस समय लिपाई तो नहीं हो पा रही है सर्दी की वजह से, आर्थर की वजह से नहीं करते हैं हम, क्योंकि हमारे आर्थर बहुत ही अभी छोटे हैं तो इनको सर्दी लग जाएगी, तो इसीलिए लिपाई नहीं करते हैं। हमारी वजह से हमारे आर्थर को परेशानी होगी तो इसीलिए नहीं इस समय लिपाई कर रहे हैं, जब धूप निकलेगी तभी करेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी काम कर रहे हैं तो ये भी खड़े होकर देखते हैं, तो जो हम करते हैं भाई ये भी करने लगते हैं, तो ये बस खेलने में लगे हुए हैं। तो कूड़ा भर के फेंक आए थे घूरे पर, उसके बाद में अभी बज रहे हैं दोपहर के 12, तो 12 बज चुके हैं और सारे काम हमारे हो चुके हैं, सारे काम जल्दी से निपटा कर। और लाइट भी आ गई है, अभी ही आई है, 12 बजे आती है, अब लाइट का टाइम जो है चेंज हो गया है। तो यहाँ पे चुटिया कर रहे थे बाहर, हमने सोचा कर लें, तब तक आ गए थे पापा, तो फिर हम अंदर आ गए थे, बस थोड़ा बाल ही सुलझा पाए थे तब तक पापा आ गए थे। तो यहाँ पर जो है फिर ऐसे हम अंदर आ गए हैं यहाँ पर, तो फिर अंदर ही चुटिया फिर करनी पड़ी हमें। तो बाहर की तरफ एकदम से साफ दिखता है, तो हमने कहा चलो बाहर ही कर लेते हैं, कोई नहीं था तब तक पापा आ गए थे। तो यहाँ पे चुटिया वगैरह हमारी हो गई है, उसके बाद में थोड़ा तापेंगे क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, थोड़ा बहुत ताप लेंगे तो थोड़ा रिलैक्स होगा, क्योंकि सुबह से काम में लगे हुए हैं और ताप नहीं पाते हैं काम की वजह से। तो सुबह भी आग जलाई जाती है पर बिल्कुल भी बैठना नहीं होता है काम की वजह से, काम भी हमारे लेट हो जाते हैं, तो इसीलिए जो है ताप नहीं पाते हैं। तो अब काम से फुर्सत हो गए हैं तो हाथ पैर एकदम से ठंडे पड़ गए थे, तो हमने कहा चलो ताप लेते हैं और हमारे आर्थर भी थोड़ा बैठेंगे हमारे पास में। और सार्थक अभी जो है सो रहे हैं, उनको सुला दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे वो। और यहाँ पे दीदी आ गई थी और तीनों लोग ताप रहे हैं, ये दोनों लोग हमारी जेठानी जी हैं, और तो तीनों लोग बातें भी करते जा रहे थे और तापते भी जा रहे थे। और सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं,
तो सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी एक बहन जी हैं जिनका नाम है रीतिका, तो हमारी उन बहन की जो है 18 जनवरी को सालगिरह है, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है। तो आप सभी का मतलब पूरे परिवार को इनवाइट किया है जो कि दिल्ली में रहती हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें बुलाया और हमें बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया बहन, और हम ज़रूर आएंगे। तो आपने बुलाया और समझो हम आ गए, तो आपसे आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप हमें इतना प्यार देती हैं और हमारा सपोर्ट करती हैं, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हम इस बार से यही प्रार्थना करेंगे, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं कि इस नए वर्ष में आप, तो ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान आपकी गोदी जल्दी से भर दे बहन, और इस नए वर्ष में आपको बेबी प्राप्त हो और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हम इस वर्ष से सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे कि आपकी इस साल जो है गोदी भर जाए और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो बस आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बहन। और यहाँ पर जो है हमारी झाड़ू शाम वाली लग रही है, तो पहले हमने अपनी दाल बनने के लिए रख दी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि खाना जल्दी से बना लें। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो हमने दाल बनने के लिए रख दी थी, उसके बाद में झाड़ू लगानी शुरू की है। और फिर जो है अपनी प्याज वगैरह फ्राई करने के लिए काटेंगे, तो हमने कहा पहले दाल बनने के लिए रख दे, जब तक दाल हमारी बन जाएगी तब तक झाड़ू भी साथ में लग जाएगी, तो एक साथ में दो काम हमारे हो रहे हैं। और हमारी एक सारिका बहन है, तो वो भी हमारा बहुत ही ब्लॉग पसंद करती हैं, तो उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। वो डेली ही हमारा वीडियो देखती हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बहन। और हमारी मुमताज़ बहनी बहुत ही प्यारा सा कमेंट करती हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी खुशबू बहन है, वो भी बहुत ही प्यारा सा कमेंट करती हैं, तो उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और सभी बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए इस नए वर्ष में, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। तो यहाँ पर हमने प्याज और हरी मिर्च कट करके रख दिए, दाल भी हमारी बन चुकी है। और उसके बाद में यहाँ पे सार्थक का करवा रहे थे होमवर्क, तो इनका होमवर्क करवा रहे हैं, तो ये जब तक खुद ना बैठो तब तक नहीं बैठते हैं, तो हमें इनके पास में बैठना पड़ता है तभी काम करते हैं। अगर हम सोचे कि काम भी करते रहें और ये भी अपना काम करते रहें तो नहीं करेंगे, तो इनके पास में बैठना पड़ता है, क्योंकि ये खेलने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर लेते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, खेलने में लग जाते हैं। तो इनका काम वगैरह करवा के उसके बाद में हमने अपनी दाल फ्राई की थी, तो यहाँ पे जो है हमने अरहर की दाल बनाई थी। तो आर्थर के लिए निकाल लिए, हमने मिर्च नहीं डाली थी, सिर्फ हल्दी और नमक डाल के बनाई थी, तो मिर्च जो है बाद में डालेंगे, आर्थर के लिए पहले निकाल लिए खाने के लिए। और इन्होंने बहुत ही मन से खा भी ली थी दाल, तो यहाँ पे सार्थक भी पी रहे हैं बैठकर, और इन्होंने गिलास में डलवा ली थी और पी रहे हैं। तो यहाँ पे हम हस्बैंड जी का कर रहे थे इंतज़ार, तो आ तो चुके हैं पर फिर से कहीं निकल गए हैं, किसी के इंजेक्शन वगैरह लगाना था गांव में, तो वही लगाने के लिए गए हुए हैं, जब तक हम अपना पानी गर्म कर रहे थे और हम देखते भी जा रहे थे आ रहे हैं कि नहीं। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद में फिर हम रोटियां सेकने ही लगे, हम सोच रहे थे आ जाएं फिर सेकें, तो वो अभी नहीं आए हैं। तो सारी रोटियां हमारी बन भी गई थी फिर भी नहीं आए थे, और यहाँ पे रियान से कर रही है कुछ बातें हमसे, तो वहीं पे बस थोड़ा सा हंस रहे थे हम लोग बातें कर करके, तो वो बता रही थी कुछ अपने स्कूल की बातें, तो वही यहाँ पे हंस रहे हैं हम लोग। तो इधर हमारी रोटियाँ भी बन चुकी हैं, हस्बैंड जी अभी भी नहीं आए थे, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि रोटियां ठंडी हो रही थी, हम सोच रहे थे कि गरम गरम खाएंगे दोनों लोग बैठकर, तो रोटियां ठंडी पड़ रही थी। फिर इधर जो है खाना पीना हो गया था, उसके बाद में बर्तन भी धुल के रख दिए हैं, फिर बाद में हमने निकाली थी सब्जी क्योंकि आज बाज़ार भी था, तो हस्बैंड जी सब्जी भी लाए हैं। और सार्थक के लिए 2 पेंसिल लाए थे, कॉपी लाए थे, तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ हमने निकाल ली हैं क्योंकि सब्जियाँ भी हमारे ख़त्म हो चुकी थी, काफ़ी दिन हो गए हैं, पूरा 1 सप्ताह हो गया था, तो सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी, प्याज टमाटर, तो सारी चीज़ें लाए हैं यहाँ पर। और ये लाए थे पट्टी जो कि चिक्की वाली है, जिसको चिक्की वाली पट्टी बोलते हैं,
मूंगफली दाने वाली होती है जो मिठाई वाली, तो वही लाए थे। और यहाँ पे आर्थर मिठाई वाली पट्टी वगैरह नहीं खाते हैं, तो इनको दे दी है। नमकीन, नमकीन भी लाए थे हस्बैंड जी बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा ले आते हैं बच्चों की वजह से। तो ये जो है फिर भी दुकान पे दौड़ते रहते हैं सार तक हमारे, कितना भी कुछ ला के रख दो घर में पर दुकान पे इनको ज़रूर जाना होता है। तो यहाँ पे प्याज वगैरह डलिया में कर देते हैं और मेथी भी निकाल ली हमने अलग बाहर, और बाकी की सब्जियाँ रख देंगे फ्रिज में लगा कर, क्योंकि मेथी अभी ही हमें साफ़ करनी है, क्योंकि सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मेथी जो है अभी ही साफ करके रख लेंगे, सुबह के टाइम सिर्फ काटने को रह जाएगी। तो यहाँ पे टमाटर और मटर और गोभी वगैरह जो भी चीज़ें थी वो हमने इसमें रख देते थे। और शकरकंद भी लाए थे क्योंकि हमने बोला था ले आना, इसके गुलगुले बनाएंगे शकरकंद के। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ लगा के रख दी हैं। और उसके बाद में यहाँ पे उन सार्थक के पापा और सार्थक खाने में लगे हुए हैं नमकीन और पट्टी, और हमारे आर्थर जो है हमारी हेल्प कर रहे हैं, मेथी साफ़ करवा रहे थे। तो हम बोल भी रहे थे कि तुम लेटे हो और आर्थर जो है हमारी हेल्प करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास में बैठे बैठे मेथी इधर उधर फेंक रहे थे, तो जैसे हम कर रहे थे वैसे ये भी कर रहे थे। तो इनको ये तो पता नहीं है कि मम्मी अच्छी अच्छी रख रही है और ख़राब ख़राब वाली हटा रही थी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के।